खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली में पानी पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा और इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। यह विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय मानक ब्यूरो ने अपनी जांच रिपोर्ट में दिल्ली के पानी को पीने लायक नहीं माना है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने मुफ्त पानी के नाम पर दिल्ली वालों को जहर पिलाया और ऐसे में आप देखिए किस तरीके से यह धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। दिल्ली में पानी पर विवाद लगातार जारी है और हमारे साथ इस वक्त अजातिका जुड़ चुकी हैं, हमारी संवाददाता। अजातिका, किस तरह के हालात हैं, क्या स्थिति नजर आ रही है सड़कों पर? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पानी को लेकर राजनीति जो है वो पूरी तरह से गरमा गई है। इस वक्त हम सिविल लाइन्स इलाके में मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बड़ा सा जो बैनर है उसे लेकर आए हैं। यहाँ पर आप साफ तौर पर देखिए लिखा हुआ है, दिल्ली को जो पिला रहे हो जहरीला पानी, मुख्यमंत्री जी जरा आप भी चख लो उसको। तो जो दूषित पानी है, BIS की जो रिपोर्ट आई है उसमें निकल कर आया है, उसका हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। कुलदीप जी, आप कहाँ का सैंपल लेकर आए हैं? ये पटपड़ा विधानसभा के मंडावली गांव के मंडावली ऊंचे के पंडित परिवार का सैंपल है। हम मनीष सिसोदिया जी के घर भी गए थे पीछे पानी की मांग को लेकर, ना मनीष सिसोदिया जाके ना अरविंद केजरीवाल जाके, आज हम मुख्यमंत्री के निवास पर आए हैं। सभी लोग अपने अपने विधानसभा से अलग अलग कोई पानी का सैंपल लेकर आए हैं। जो पानी का सैंपल दूषित है, प्रदूषित है, जो रिपोर्ट आई है उसमें पानी का दिल्ली का जो सैंपल आया है वो देश में सबसे पीछे स्थान पर आया है। दिल्ली की जनता आज जहरीला पानी पीने के लिए मजबूर है और कैंसर से भी ज्यादा भयानक बीमारियां दिल्ली की जनता को हो रही है। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, वो सरकार जिन्होंने मुफ्त पानी देने का, साफ पानी देने का वादा किया था, आज वो मुफ्त तो छोड़ो जहरीला पानी दे रही है। और आज सभी लोग अगर बड़ा हाथ देखो, सर मेरा सवाल है कि 11 जगहों पर BIS की टीम गई जिसमें से मुकंदपुर और बुराड़ी भी इलाके थे। बुराड़ी में दीपक रॉय उन्होंने बात कही है कि हमारे घर पे कोई सैंपल लिया ही नहीं गया, तो फिर ये आप दावा कैसे कर रहे हैं और ये हम कैसे मान लें कि ये सच्चा दावा है? जब हम मनीष सिसोदिया जी के निवास पे थे तब भी एबीपी चैनल वहाँ पर थे और हमने विजेंद्र जी आपसे सवाल पूछूंगी। बुराड़ी में जो टीम गई है वहाँ पर जो रॉय हैं, मिस्टर रॉय, उनका दीपक रॉय, उनका कहना था कि हमारे घर से कोई सैंपल ही नहीं लिया गया, उनका नंबर जरूर दिया गया है, उनका एड्रेस दिया गया है, लेकिन कैसे विश्वास कर ले आपके सैंपल पर? सवाल तो ये है कि BIS ने सैंपल उठाए हैं और BIS जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स उसके वो अगर जांच कर रही है और उस पर सवाल उठा के राजनीति करना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मनोज तिवारी अभी तक पहुंचे नहीं है, जो प्रदर्शन है ये मुख्यमंत्री के घर तक मार्च जाने वाला है। इस वक्त हम सिविल लाइन पर ही मौजूद हैं और यहाँ से मुख्यमंत्री की आवाज तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस तरह से मार्च निकाला है और आप देखिए वहाँ पर एक मटके के जरिए भी जो है पानी लेकर कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए मटकों के ऊपर लिखा हुआ है, केजरीवाल नशे में चूर, जनता को गंदा पानी पीने पर मजबूर, दिल्ली सरकार आया है। सर इसमें क्या है, पानी है गंदा पानी, गंदा पानी, कैसे विश्वास कर ले? इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं दिखा देता हूँ, इसमें साफ पानी तो नहीं? नहीं साफ पानी नहीं, पानी है। और दूसरा मैं बता दूं आपको, मेरे क्षेत्र में एक लड़का गंदे पानी पीने के कारण बीमार है और हॉस्पिटलाइज है, वो 2.5 लाख रुपए खर्च आ चुका है, उसका गरीब आदमी है। आप मेरे साथ चल के अस्पताल में उसके बयान ले सकते हो और पूरी दिल्ली में सच्चा की गंदा पानी। कहाँ से लाए आप ये पानी? JBJBR से लेके आए हुए जी। सर आप कहाँ से लाए ये पानी? करावल नगर विधानसभा, मैं मोहन सिंह बिष्ट हूँ, करावल नगर से MLA था मैं, इसी बार रह गया था। तो ये करावल नगर में भयंकर स्थिति, इस प्रकार की भयंकर स्थिति है, जल ही जीवन है इस प्रकार का नारा दिया जाता है। जल जीवन नहीं बन गया, जल आज लोगों के जीवनों को लेने का काम कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, पानी भी दिखा दीजिए एक बार, पानी भी दिखा दीजिए। तो पानी आप देखिए बिल्कुल काला पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इनका दावा है कि अपने क्षेत्र से ये पानी, ये नल में आ रहा था आपका पानी, आता है सुबह करेक्ट, आप देखेंगे जैसे 5-5:30 बजे पानी आता है, तो उस पानी की स्थिति इस प्रकार की है। सेकेंडली जैसे आप वहाँ की बात कर रहे हैं बुराड़ी की, मेरे से लगती हुई विधानसभा बुराड़ी है,
पानी घरों से नहीं। सर हमने पड़ताल की है, हमारी टीम ने पड़ताल की थी वहाँ पर, तो लोगों का कहना था कि वहाँ पर एक शख्स है जिन्होंने कहा कि हमारे घर से लिया ही नहीं गया पानी। हो सकता वो उसी विचारधारा का हो। घरों के अंदर कितने कनेक्शन है हम ये जानते हैं। आज भी उनको जो पीने का पानी मिल रहा है वो रैनी ट्यूबवेल से मिल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो भारी भीड़ है वो जुड़ती जा रही है, जो कि झंडे और नारों के साथ लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जो पानी है दिल्ली में वो कितना दूषित है और इस वजह से लोगों को कितनी पीड़ा हो रही है, कितनी बीमारियां झेलनी पड़ रही हैं। अब से कुछ देर में दिल्ली प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी भी पहुंचेंगे और ये जो मार्च है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास तक आगे बढ़ाएंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली।